ओ, क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे रेनू मंडल और खोलू कपड़े गर्ल के बारे में। तो यार आओ सबसे पहले रेनू मंडल के बारे में बात करते हैं। अतेंद्र चक्रवर्ती नाम के एक लड़के ने रेनू आंटी की एक वीडियो बनाई जो कि 2 मिनट की थी और उसे फेसबुक पर अपलोड किया। आंटी की आवाज बहुत अच्छा है जिस वजह से वीडियो रातों रात वायरल हो गया। एक ही रात में वो वीडियो पूरे इंडिया में फैल चुका था और आंटी जी स्टेशन से डायरेक्ट हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में पहुंच गई और उसके बाद तेरी मेरी सॉन्ग का ट्रेलर रिलीज हुआ। वो ट्रेलर भी इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था और हमारी आंटी जी 5 दिनों में स्टार बन चुकी थी। आंटी को इस ऊंचाई पे देख के पूरा इंडिया खुश था और फैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा हो चुका था और मैं भी आंटी का फैन हुआ करता था। और सबसे ज्यादा अच्छा इस बात से लग रहा था क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा वायरल हो रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते मैं इस आंटी की मीम्स शेयर करने के लिए मजबूर हो गया। वो कहते हैं ना पैसा बहुत ही जल्दी लोगों को चेंज कर देते हैं, तो इस आंटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान मैडम जी ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जो मुझे एज ए व्यूअर बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम यार पहले ये क्लिप देखो उसके बाद बात करते हैं। बोलो আমার তো কোনো ফোন নেই, ওদের কাছে বাড়ার ছেলে তো অতীন্দ্র রয়েছে, তপন রয়েছে। আমার কোনো ফোন নেই, আর অতীন্দ্র আর কি ওর নামটা এলো তপন, ওদের দুজনের কাছে ফোন আসছে, ওরা জানে কোথায় যেতে হবে না কোথায় যেতে হবে, ওরা ভালো মতো জানে। আজকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাহায্যে যাচ্ছিলাম, ভগবানের সাহায্যে ওরা শুধুমাত্র ভগবানের চাকর হয়ে যাচ্ছে। আন্টি কি বাতে বহুতো কো সমঝ মে নেই আয়া হোগা, তো কোই বাত নেই মে বেঠা হুঁ না সমঝানে কে লিয়ে। ইন শর্ট ইয়ে ম্যাডাম জি ইয়ে বোল রহি হ্যায়, আজ ইয়ে জো ভি হ্যায় আপনে ট্যালেন্ট কে দম পে, অতীন্দ্র চক্রবর্তী কে ওয়াজহ সে নেহি। অতীন্দ্র চক্রবর্তী এক সার্ভেন্ট হ্যায়, वो भगवान का नौकर है। अतीन्द्र चक्रवर्ती वही इंसान है जिसने आंटी की सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था और उस वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट पे अपलोड किया था और वही वीडियो वायरल हुआ था। तो उस बंदे को भी थोड़ा क्रेडिट देना तो बनता है क्योंकि खाली टैलेंट से कुछ नहीं होता, उस टैलेंट को यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। वो प्लेटफॉर्म इस बंदे ने दिया है आप, जिसकी वजह से आंटी सड़क से उठ के 5-स्टार होटल में खाना खा रही है। आंटी के सामने उसकी वैल्यू 0 है और होगा भी क्यों नहीं, आंटी तो अब स्टार बन चुकी है, लाखों में पैसा भी कमाने लगी है। अब अतीन्द्र चक्रवर्ती को याद रखने का क्या फायदा, क्योंकि अपना काम बनता भर में जाए जनता। मुझे पता है कुछ सो कॉल्ड लोग आएंगे और बोलेंगे रेनू जी ने तो बिल्कुल सही कहा है, हम इंसान तो भगवान के सर्वेंट ही है। तो देखो यार हम भगवान के सर्वेंट नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान किसी को मदद करने के लिए नौकर नहीं भेजेगा, वो किसी फरिश्ते को ही भेजेगा। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि रेनू जी ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इस बात को बोलने के टाइम पे मैडम के चेहरे पे खुशी होना चाहिए था, मैडम के चेहरे पे घमंड साफ दिखाई दे रहा है। अब यार तुम मुझे कमेंट करके बताना कि रेनू आंटी सही थी या गलत। तो यार अब बात करते हैं खोलू क्या कपड़े लड़की के बारे में, जो खोलू क्या कपड़े नाम से बहुत ज्यादा वायरल चल रहा है, जिन्होंने रात में किसी की गाड़ी ठोक दी थी और वो बंदा जिसकी गाड़ी इसने ठोकी थी पुलिस के साथ मैडम जी के घर पहुंची। फिर मैडम ने कुछ ऐसा किया जो कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम पहले ये क्लिप देखो ताकि तुम्हें ये अच्छे से समझ आ जाए। पता करके आओ, तुम लोग नाम दो, नंबर दो अपना, तुम दोनों आए हो ना, तुम लोग पुलिस वाले हो ना, हाँ तो चलो अपना अपना नंबर दो, तुम्हारा काम है हमारी मदद करना, हमको पता लगा के दो कौन कर रहा है हमारा, हमको हम में से तो आपने पीछे जो गाड़ी ठोकी है वो हमारी गलती थी क्या, मेरी गाड़ी क्यों ठोक दी आपने? अच्छा ठोक, मैं आपके पीछे पड़ा हूँ क्या जो आप मेरी गाड़ी ठोक रहे हो? ठोक दो आइटम, ठोक दो जो ठोकना है ठोक दो, पहले पहले पता करके आओ पूरी पब्लिक, कल तो पब्लिक को उड़ाऊंगी मैं, आज तो गाड़ी उड़ाई है कल पब्लिक को उड़ाऊंगी। खड़े खड़े रुकिए ना, इज्जत की 12 बजे आओ ना, तुम आदमी होने मेरी आदमी वहाँ मिलके यूरिस्का में मेरी पूरी तहस नहस, वहाँ पे नचवाते थे मुझको, वहाँ पे वीडियोस बनाते थे, वहाँ पे क्या नुमाइश चल रही है क्या मेरी, नंगी होके खड़ी हो जाऊँ सड़क में, या तो बोलो तुम लोग अभी कपड़े खोल दूँ क्या, ब्रा भी नहीं पहनी है वो मैडम, खड़े हो खोल दूँ क्या कपड़े, खोलू कपड़े, खोलो कपड़े, खोलो कपड़े अपने, खोलो, आज ब्रा भी नहीं पहनी और पैंटी भी नहीं पहनी, खोलो कपड़े, खोलो, कोई मतलब नहीं है मैडम, खोलो तुम लोग, खोल दो कपड़े अपने, खोल दो, 2 मिनट लगेगा, धरती माता की इज्जत नहीं करते तुम लोग रे, 2 मिनट लगेगा, देखो छाती देखो, ये देखो क्या देखना, चूत देखना है तुमको, भूत देखना है तुमको, क्या देखना है, दूध देखना है, देखो ना सब देखो, मार मार दो, मार जैसी है तुम लोगों की सबकी, मैं उतार भी दूंगी तो क्या है यार, देख लो तुम लोग, आज मेज से हो गया, मेरे 9 साल का बेटा है, इज्जत को तुम लोगों ने 12 बजे के रखी है, चलो सर चलो बात करते निकलो यहां से।
बेचारा आया तो था गाड़ी की कंप्लेन देने, लेकिन मैडम तो कुछ अलग ही दुनिया की थी। पूरी का में ये कोठा चलाती थी या फिर नंगा नाचती थी, तो इसमें इस बंदे की गाड़ी की क्या गलती है जिसे तूने अपने मर्जी से ठोक दी। जब पुलिस ने आंटी से सवाल पूछना शुरू किया, आंटी ने कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया। आंटी बीच बीच में औरत की इज्जत की बात भी कर रही थी। देखो आंटी, आप कपड़े खोल के नंगा होना चाहती थी, अब सच में नंगे ना हो जाओ। इस बात से डर के वो लौंडा और पुलिस वाले पीछे हट रहे थे। आंटी बकचोदी के सागर में कुछ इस कदर बह चुकी थी, इंडियन आर्मी और पुलिस के खिलाफ भी बोल रही थी। कमाल की बात तो ये है, आंटी जी अब तक अरेस्ट नहीं हुई है। तुम यार इस आंटी के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। और यार आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और यार जाने से पहले ना सब्सक्राइब का बटन दबा लेना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।